सौ गैस 3 किलोमीटर रह गए यहाँ से ऐसे, फिर वहाँ से वो ऐसे, ऐसे 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 और वहाँ पर है वो। किलोमीटर पे हजे तो रात के बज गए 8:50 से हिम्मत खत्म हो चुकी है। इवन मेरी भी यार अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका, बट जे बट मैं तुम सारे दिखा चाहता सारी ट्रिप, बट एनी हाउ हूँ आप यात्रा कर लें तो तुम सीधा मॉर्निंग व्यू दिखा देंगे। सो बने रहे वीडियो देखते रहेगा इस। तो हूँ केदारनाथ में दो राह पे एक इधरों की पैंता पे तुम देख सकते हो इदा, तो एक इतों की पैंता पे इतों की सू 1 किलोमीटर छोटा पैना वा, तो इतों की मतलब चढ़ाई भी तुम देख ही सकते हो। सो आप इधर जावे, सो लेट्स गो गाइस। सो और सूरज पाना घूम चलते हैं। सो फ्रेंड्स काफ़ी सफ़र करने तो बाद मैं तो भैया फिर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है उत्ते, तो 9 किलोमीटर रह गया बस केदारनाथ, तो रात के बज गया 11:30, रात के 11 बज चुके हैं, तो हूँ आप सीधा उत्ते ही जाने पे। चढ़ाई देख, चढ़ाई तुम दिखाई सी ईवन मैं सारे उधरों, बट आप सवेर की चढ़ाई करनी सी, बट सवेरे यार बहुत ज़्यादा गर्मी होने करके आप खुद ही चढ़ाई नहीं कर पाने, ईवन व्लॉग भी नहीं सही बन पाना सी, हूँ भी नहीं सही बन रहा बिकॉज तुम कुछ लभ ही नहीं रहा साढ़े तो अलावा, बट जल्दी 10-11 बजे होने जे, तो हौली हौली ज आप 3-4 बजे तक बस उत्ते पुजना वा, तो फिर तुम सीधा 3-4 बजे सीधा दर्शन करावे महाकाल के। तो आई होप तुम सारे ब्लॉग पसंद आ रहा, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलियो, तो जो महाकाल के भगत सबसक्राइब करना ना भूलियो। इस आप इधर थलो बहुत उपर तक चढ़ाई करके आए, हाल हालांकि सफर छोटा ही है ना, देखने च नहीं है ना पता लगना, सफर लगना जो बंदा आप करे ना, वो लगता है कि हो जाना, बट शिव जी की सोच लगे लत्त दुख रही है वह बहुत ज्यादा, तो हूँ चाह के कप कराए है, घोड़ा लगता पे अपने लिए चाह चू पी के, तो फिर बस रह गया उही 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर सीधा बाबे को। सो गाइज रात के 1:30 बज चुके हैं, 5 किलोमीटर हजे भी रहा वा, तो स्टिल जाना इदा, तो मैं सबनों यही कहूँगा यात्रा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, मैं भी तो की है, ये देख लो बहुत थकिया है मेरा भरा, बट स्टिल सो पैरों के तो शूज भी गंदे हो गए, बस भी बड़ी है, प्लस ये देखो ऊंचाइयाँ रस्ते बड़े दूर दूर हैं यार, वहाँ से हैं वो कितनी दूर है। सो अभी हम वहाँ पहुँच कर आपको मिलते हैं। सो गाइस रात दे 1:30 बज गई है, हजे भी 5 किलोमीटर लैफ्ट है, तो आई होप आप 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे, बाकी जो भी सोचता कि केदारनाथ आना सौखा वा आप चढ़ाई कर लेंगे, ये वो ये वेरी 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 डिफिकल्ट है, क्योंकि यार जो इन्होंने सड़क दिखाई बहुत टफ ने, ठीक ने, तो मैं ही कहांगा कि जे आना तो नाल पानी दी बोतल, तो मन च सोच लेना कि जाना ही जाना, अद्धे लोग मैं हूँ देखे किन्ने लोग मुड़े आ वापस, इन्नी वधिया तो इन्नी पवित्र जगह पर आके किन्ने लोग मुड़ के गए, क्योंकि उन्होंने कोई चढ़ाई नहीं होंगी पी, तो रोड ऐदा वा सारे की चढ़ाई ऐदा गए आप सारे। सो आई होप तुम सारे ब्लॉग पसंद आता होगा, बाकी जो भी छोटी छोटी इनफॉर्मेशन है या कुछ भी वो तुम मैं कल देता रहांगा, बाकी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, तो आप मिलते सीधा टैंपल दे। चल चलिए ना बैठन दो, मैंने भी 5 किलोमीटर लेट्स गो। A few moments later. ते यार सारा प्लान इस बंदे करके चेंज होया, इस बंदे नू बहुत ज्यादा नींद आ रही है, प्लस से को तुरे भी नहीं जंदा पेगा बेचारे गोलू मोलू जा, छुप जा भाई छुप जा, ते हुन आपा 5 किलोमीटर अपना सवेरे तय कर तय करना
ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਭਾਜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਪਿੱਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੋ ਅੰਕੂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ सो हे गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल सो गाइज गुड मॉर्निंग आई होप तो सारे बहुत वधिया होवोगे सो ए टेंट सीगा जिथे आपां राती स्टे किया पर परसन सानू 250 का पिया सो आप चार जने सीगे ते आपां नाइट स्टे किया मतलब नाइट स्टे भी कदा 3 बजे आपां सुते सीगे ते हुण इस टाइम 8 बजे है सो हुण मैं तुहानू इत्थों दा व्यू दसदा वा ते चढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ से ऐसे फिर वहाँ से वो ऐसे, ऐसे 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 और वहाँ पर है वो हमारी डेस्टिनेशन यार व्यू देखो व्यू कितना प्यारा है सो लेट्स गो गाइस 3 किलोमीटर लेफ्ट फाइनली इन्हें बिठाता ओके भैया ध्यान से लेकर जाना घोड़े की जान ही करती बेचारी ध्यान से भैया डलान से सो बस ऐसे 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 और फिर वहां से अरे ब्लर क्यों हो गया सब तो ज्यादा एंड मैं ही हाँ पूरे सूरज पूरे मामू बस उन्होंने को जाके फिर आप कट्ठे ने यह पर्वत पार करके हाँ यार बहुत थक गया यार रस्ता तुम देख सकते हो रस्ता कितना खराब है सो इत स्लिप होने का बहुत डर है सो बी केयरफुल जो भी आएगा बाकी यार जन्नत जन्नत ही सौ लगे एंड जन्नत 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 परियां परियां देख रही ऊपर अर्शा दी परियां देख रही पर एक गल हैगी सूरज जिहड़ी चीज आप फोन दे विच देखदे आ केदारनाथ दा टेंपल प्लस आप फोटो देखदे वीडियो देखदे ओह सानूं देखण नूं नहीं मिलिया हुण साक्षात जी सामने आना वा अरे यार वो जन्नत परियां फिर मैनूं फड़नगियां मैनूं घुमाणगियां मैनूं परियां दा करके सो ये पागल हो चुका थोड़ा चढ़ाई करके दिमाग दिमाग मिल पे परियां हां दवाना परियां चल परियां इत्थों दी शॉर्टकट लै वो तुम अंशू देख सकते हो बट आप हम इतों की कुछ मैगी मुगी खान लगे हैं भुख बहुत ज़्यादा लग रही है एनर्जी खत्म है एनर्जी जी है घोड़े के अंशू घोड़े के उत्ते है सो हम तो मैगी मुगी खा के आप चलिए बाकी मैं एक गल नोट की है 100 में 80% लोग घोड़े पर ही आते हैं पैदल यात्रा बहुत घट लोग करते सैनी आओ बस वो क्रॉस करना वा कुछ खा पी के फिर आप क्रॉस करिए फिर तुम सारे दर्शन कराइए मैं की कहना पे भला अंशु ने घोड़े की जान ही कट दी वो घोड़ा भी ना घोड़ा भी ऐदा ऐदा तुरता पे अंशु करके आप रात उ लेती टेंट जहा लेता वा रात उ करके कैंपिंग पर मजा आया सौन का लख डेढ़ मैं जी सुता ना थले एडा वा पहाड़ ही मेरे खुद मैगी कराई सो हूँ मैगी खा के फिर तो इतने मैगी के परांठे तो अलावा वैसे है नहीं कुछ कुछ भी नहीं है सो जे किसी ने सफर सुफर करना तो भरावा अपनी रोटी आपे ले आइयो बाकी बैग जिन्ना ज्यादा हल्का हो उन्ना वधिया वा क्योंकि आप बैग तीन चके थे बहुत छोटा एक जैकेट एक रेनकोट बस बेस्ट है क्योंकि
वो काम खराब है भाई, लक दुखने लग गया। हुण अंशु ने बैग लिता ना, देख मैं नाल नाल ही ना तेरे बैग करके बैग कर घोड़े दे नाल नाल। मैं मेरे को बैग ही ते आपा फिर भी किन्ना अग्गे रहे आ, असीं भी तां छोटे आ। हो गया सो मैगी मुगी खा के यार मिलदे तुहानू। हाँ जी मैगी खाला हो, खाला पे फटाफट चढ़ी अपा मैगी मुगी खा ली है। पर सानू एक गल का घाटा पै गया, अंशु उत्ते आते हैं, अंशु को पैसे नहीं आए घोड़े 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 वाले भी उन्हें अपने नाल रखा पाया पक्का ही पक्का ही। तो हूँ आप इतों की 2 किलोमीटर चढ़ना साफ करवा घोड़ा धवादा नहा। सो हूँ आप पहला अंशु को चलीए तो फटाफट वीडियो बनानी सी ना भूल ही गया, भुख लगन ही मैगी खा के बड़ा बाटी। सो फाइनली आप उतो आए उतो मैगी खाधी सी अपना तो पूरा सीधी सीधी चढ़ाई सी तो उदा दे उतो आए आप उतो। सो लेट्स गो, थोड़ा जहा रह गया बस फिर तुम सारे दर्शन कराने। घोड़े तो आए हाँ बड़ा मजा आया लत्तां रेस्ट मिली ते प्लस मैं घोड़े जो उतरिया मैं घोड़े के पैरों अदा दबाया उन्हें जफ्फी पाई उन्हें मैं क्या तेरा लख लख धन्यवाद तू मैंने इत्थे लै के आया अगे हाथ जोड़े मैं मैनू माफ कर दी मैं तेनू दिक्कत दी अगो 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 भी कर मीटर 1.5 किलोमीटर लेफ्ट और पीछे बादल हो गए, बारिश का मौसम हो चुका है। शुक्र हम लोग रेनकोट ले आए थे। हाँ जी हाँ जी बैठ जाओ। सो बस 1.5 किलोमीटर सो फाइनली गाइस बिल्कुल 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 ओ रे अभी बस इसके बाद हमारी मंजिल हमारे केदारनाथ बाबा जी। अरे यार वेट नहीं हो रहा, फटाफट चलो। सो उधरों रास्ते जिदा मैं आया सीगा ए स्लिप लैनी जरूरी सी जो कि मैं नहीं लीती तो ये हूँ मैं सूर्य नूं भेजा कि मेरे लिए स्लिप ले आ, है ना। तो ये स्लिप तो बगैर एंट्री नहीं है कहते। सो ये स्लिप जरूर लियो सारे जने तो फटाफट चलते फटाफट यार वेट नहीं हो रहा हूँ। ओके ये नज़ारा तुम्हें देखने मिलेगा प्लस वो रहे या बस बस यही रह गया यहाँ से क्रॉस करके सीधा उनके पास। साढ़े तिना का 3 प्रसाद हो गया, मेरा मामू का अंशु का सूरज का भी हो गया वा हूँ मम्मी मम्मी नानी मम्मा तो याद भी नहीं भी पैक करा लगे तो फिर आप सीधा उत्थे गाइस आप अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, साड़ी डेस्टिनेशन रीच हो चुकी है। सो 1 2 3 सो जय केदारनाथ बाबा जी की। सो फटाफट कमेंट से भर दो और मेरे को बताओ यार कितनी ब्यूटीफुल जगह ना, दर्शन कर ले अच्छे से तो फिर आप सबको मिलते हैं। सो अंदर वीडियो नहीं बना सकते
चलो इसलिए यहाँ से दर्शन कर लो यार सभी वगैरह बहुत ज्यादा वधिया हो गए है। तो ये सवेर का व्यू तुम देख सकते हो। तो हम शाम को 7 बजे आरती होनी है। एक बार आरती से भी जाके देखना क्योंकि कहते लाइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी होंगी इतने तो बहुत ज़्यादा सोहनी लगती है जगह। हाँ सो आप हम थोड़ी देर रेस्ट करिए तो तुम सीधा शामी 7 बजे मिलते हैं। सो जिदा कि शामी उपर जाने का प्लैन सगा वो आप कैंसल कर रहे हैं क्योंकि उपर मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया प्लस बारिश भी होंगी भी है हल्की हल्की कि आप उतराई कर ली क्योंकि आप घर भी जाना वा है ना अपने बिल्कुल प्रिपेयर हो गया जो इस बार गलतियां हो गई सर तो हाँ नैक्सट टाइम बाकी तुम इतनी कमियां दस दिना आलू के परांठे मैगी मैगी बस ये दो चीजा मैं इतने इस तो अलावा होर कोई चीज़ नहीं है। लोग जो है बहुत चीप है 200 रुपए पिछे लगता किसी को पता नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀਗਾ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਵੀ ਅਗਰ ਲਓਗੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ 4000-5000 ਇਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਵਲੋਗ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।